प्रदेश के पटवारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने पटवारियों की 5 सूत्रीय मांग नहीं मानी, जिसे नाराज होकर सिंगरौली जिले के पटवारियों ने कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 5 सूत्रीय मांग न माने जाने पर बैढ़न जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय के सामने कलमबंद हड़ताल पर बैठे पटवारी संघ जिला सिंगरौली के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पटवारियों के साथ अछूता व्यवहार कर रही है। पिछले 25 वर्षों से प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई। जब तक हमारी 5 सूत्रीय मांग नहीं मानी जाती, हड़ताल निरंतर चलती रहेगी। अतिरिक्त हल्का का उस समय का भत्ता, जब हमको 36 रुपए तनख्वाह मिलती थी, तब 9 रुपए अतिरिक्त हल्का का भत्ता मिलता था। आज हम ये कह रहे हैं कि हमको तनख्वाह जितनी मिल रही 25% मत दीजिए आप, लेकिन कम से कम 10,000 तो बढ़ा दीजिए अतिरिक्त हल्के का भत्ता। दूसरी चीज ये है कि जो हमको अन्य विभाग का काम करवाया जाता है, हमको आप लोगों को नहीं पता होगा, हम बता दें आपको कि हमको 56 विभाग का काम कराया जाता है, क्योंकि हम कलेक्टर के अंदर में सीधे आते हैं। अगर अतिरिक्त विभाग का हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको कुछ मानदेय दिया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।